देखो मैंने हमेशा बोला है कि बिना की प्रासा का परमिशन के बिना कोई भी हो, भारत सरकार हो, स्टेट का गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, बिना की प्रासा का परमिशन लेके कोई भी हमारा जमीन हमारा परमिशन के बिना आप लोग नहीं ले सकता है। अगर हमारा परमिशन नहीं है यहाँ में डैम बनाने के लिए और यहाँ में परिवार को हटाया जाएगा क्योंकि आपको डैम बनाना है, तो जब तक आप हमें राइटिंग में क्लियरली नहीं बताते हैं कि आपका क्या प्लान है, आपका क्या प्रोजेक्ट है, आप क्या कॉम्पनसेशन दे रहे हो, आपका डैम का मतलब किसके लिए है, ये क्या सिर्फ फिर से दूसरा डुम्बूर बनना है कि नहीं बनना है, क्योंकि डुम्बूर के टाइम में भी सब लोग ने बोला था कि राज्य के हित में हम लोग डैम बनाएंगे, पावर आएगा, करंट आएगा, इसके लिए आप लोग हट जाओ। लेकिन आज सब लोग जानते हैं कि डुम्बूर में कोई करंट नहीं निकला, कोई हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकला और हमारे तीप्रसा को अलग की दूर किया गया एक के परिवार से दूसरे परिवार से। आज यहाँ में भी स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल लोग आ रहे हैं, हमारे गरीब तीप्रसा को बोल रहे हैं कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ में हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। हम बोल रहे हैं कि जब तक हमारा तीप्रसा को मालूम नहीं पड़ेगा क्यों और किस लिए ये काम किया जा रहा है, हमको क्या कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, हमारा बच्चे का क्या होगा, हमारा परिवार का क्या होगा, हमें हमारा घर का क्या होगा, जब तक ये बात क्लियरली गवर्नमेंट हमें नहीं बताएंगे हम लोग अनुमति नहीं देंगे। क्योंकि इस जगह में हम लोग हजार हजार साल से रह रहे हैं, आज सडनली क्या दरकार पड़ा कि आप हमारे लोगों को हटाकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट में किसको क्या फायदा होगा, ये प्रोजेक्ट से तीप्रसा को फायदा होगा कि नहीं होगा, हमको ये सब बात राइटिंग में चाहिए, अश्योरेंस चाहिए। जब तक ये नहीं होगा हम लोग हटेंगे नहीं। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अगले साल जब इलेक्शन होगा, जब तीपरा मोथा पावर में आएगा, हम लोग ऐसे सब जो भी कानून बनाया गया है, आज ONGC अपने मनमानी करके गांव में जाकर बॉम्ब फूटता है और बोलता है कि माइनिंग कर रहा है, किसी का परमिशन नहीं लेता। आज यहाँ में ऑफिशियल आके बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ में डैम बनाएंगे, आप लोग हट जाओ। हम ऐसा लोगों को त्रिपुरा में और शासन करने नहीं देंगे। अब तीप्रसा का टाइम आया है, तीप्रसा ने डुम्बूर देखा है और तीप्रसा और अब ऐसा चीज को टॉलरेट करने के लिए रेडी नहीं है। बुबागरा उनके साथ है।